दादाजी, ओ दादाजी, अले आप हो या निकल गए? काहे चिंता करते हो, अभी हम हैं और बहुत लंबी पारी खेलेंगे। अले सुनो ना, अले सुन क्यों नहीं रहे हो? अबे कान से सुनते हैं हम, सुनने के लिए कि कान निकाल के तुमको दे दें? तुम बोलो हम सुन रहे हैं, मेरी शादी करवा दो, तुम हमको प्रधानमंत्री बनवा दो। अले यार फालतू की बात मत करो। हाँ तो तुम्हारी बात तो इतनी काम की थी कि तुमको ऑस्कर मिलना चाहिए। और एक बात जान लो, हमारे खानदान में कौन सी लड़की आएगी इसका फैसला खानदान के बड़े बुजुर्ग करते हैं। अरे यार दादाजी, पता नहीं कौन थे जमाने में दीले हो याला। oh, no. यहाँ पे लोग आजकल लिव इन में लहले के बोल हो गए। लास्ट को सोते किसी ऑल के घर में है, सुबह उठते किसी ऑल के घर में है। और आप बात कर लो यार लव मैरिज अरेंज मैरिज की। बेटा अगर तुम्हारी शादी होगी तो अरेंज मैरिज होगी, ये शेखबाजी के चक्कर में जाओगे तो पेले बहुत जाओगे। अले यार दादाजी, आपके टाइम में ना पति परमेश्वर होता था, अरेंज मैरिजेस होती थी, आजकल तो बोलने से पहले चप्पल पलती है मुंह पे। अच्छा, लड़कों के स्टॉक्स इतनी तेजी से गिर गए? हाँ दादाजी, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कों का भूत बना दिया गया है। अरे दादाजी किसका भूत बन रहा है? धनिया क्या कर रहे हो बेटा, किसका भूत बनवा रहे हो? अरे भोकाली भैया कब आए आप? हमें तो लगा था चुनाव से फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको। और तो और सुनने में आ रहा कि तुम पाकिस्तान में भी चुनाव लड़वा रहे हो। अरे कहाँ दादाजी, पर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर कर लेंगे। क्या कह रहा है धनिया? धनिया कह रहा है कि उसको लव मैरिज करनी है और वो भी अभी। हाँ धनिया, इतनी जल्दबाजी में काहे हो, शाम को कर लेना। अले यार भोताली भैया, मतलब अभी मतलब जल्दी करा दो मेरी शादी। अरे धनिया तुमको किस लड़की से प्यार हो गया? अले यार भोताली भैया, हमको तो हर लड़की से प्यार हो जाता है। अच्छा किसी लड़की को तुमसे प्यार है? मतलब मन ही मन में तलती होंगी, हमको बताया नहीं है। आप तो जानते हैं ना लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं। ओह नो। अरे लबर दो दो, क्या तुम्हारे पास कोई लड़की है जिससे तुम शादी कर सकते हो, लव मैरिज कर सकते हो? अरे यार मैं आद्यताली बच्चा हूँ, पहले दादाजी की परमिशन ले लाऊं। वल हम जब सड़क पे निकलते हैं ना तो लड़कियां गिर जाती हैं। गिर? अबे तुम गिराते हो लड़कियों को लंगड़ी दे के। लड़कियां गिर जाती हैं, किसी दिन चपलाए जाओगे। और चुपचाप सुनो, अरेंज मैरिज कर लो। ऐता है ना भूताली भैया, आप भी दादाजी की तरह बुद्धे हो गए हो। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। अबे धनिये, कह रहे हैं तो कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रहे होंगे। हम जब स्कूल में थे तो जिन लड़कियों को हम पसंद करते थे वो कॉलेज के लड़कों से सेट हो गई। जब साला हम कॉलेज पहुंचे तो जो लड़के कॉलेज से पास आउट होकर चले गए थे, पैसे कमाने लगे थे, लड़कियां उनसे सेट हो गई। हमें लगा था हम पैसे कमाएंगे तो लड़कियां हमसे सेट होंगी। और जब हमने पैसे कमाए तो भाई नियम बदल गए, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया। आजकल लड़कियां अपने क्लास वालों से सेट हो रही हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है धनिया, जब तक हमारे देश में अरेंज मैरिज होती रहेगी तुम्हारे हमारे जैसे लड़कों की शादी हो ही जाएगी। अरे भोखाली भैया, किसकी शादी करवा रहे हो? आपकी और धनिया की एक ही मंडप में करवा देंगे? अरे आओ आओ शिक्षा भैया, आप ही की कमी रह गई थी। धनिया पगला गया है, बोल रहा है इसको करनी है लव मैरिज। हाँ तो ठीक कह रहा है दादाजी, इसमें गलत क्या कह रहा है? हम सोच ही रहे थे कि धनिया के दिमाग में ये सब चरस कौन बो रहा है। वो क्या है ना दादाजी, आपकी फसल धान और हमारी फसल चरस, आप लोग ही तो तय करते हैं कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो तो भाई शादी के लिए तो ये अच्छा ही है ना, आपको काहे मिर्ची लग रही है? बिना बात के जन विरोधी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं आप दादाजी। तो शिक्षा भैया, आपके हिसाब से अरेंज मैरिज जो है लव मैरिज से अच्छी है? अब ये आपके जैसे लोग बिना बात के अपने मन के कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अरे हमने कब कहा भाई कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से अच्छी है या बुरी है? जिसे होली अच्छी लगती है वो होली खेले, जिसे रक्षाबंधन मनाना है वो रक्षाबंधन मनाए। oh, no. अपनी अपनी चॉइस है यार दादाजी। अच्छा दादाजी एक बात बताइए, आप लड़की कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अरे ये मैट्रिमोनियल वाली एक से बढ़कर एक साइट है, उससे ढूंढ लाएंगे लड़की। आप जो लड़की ढूंढ के ला रहे हैं और ये जो लड़की ढूंढ के ला रहा है, भाई दोनों में अंतर क्या है? अरे यार शिक्षा भैया, मतलब दादाजी समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है।
अरे अगर धनिया के लड़की ढूंढने में और दादाजी की लड़की ढूंढने में अंतर नहीं है तो ढूंढने दो ना दादाजी को लड़की। यार भोकाली, मतलब तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको। अरे यार शिक्षा भैया, हमारे कहने का मतलब ये है कि लड़की अगर देखी भाली हो, जानी पहचानी हो, पहले से उसका आइडिया हो तो अच्छा रहता है शादी के लिए। अतिया, अब मेरे तमन में आया शिक्षा भैया। तिथियों, भोताली भैया मैट्रिमोनियल साइट के नाम पे तिंदर चलाते हैं और बोलते हैं पहले इस्तेमाल तलो फिर विश्वास तलो। बेटा भोकाली, तुम टिंडे चलाते हो? अरे टिंडे नहीं दादाजी, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करके घूमने फिरने जा सकते हैं। अरे यार दादाजी फोकस मत शिफ्ट करो, फोकस धनिया है, घुमा फिरा के मेरे ऊपर ले आते हो सारे तीतर। अरे दादाजी, भोकाली भैया किसकी शादी करवा रहे हैं? अरे दादी मुझे आपके दुख नहीं देखे जाते, साला दिन आप किचन में पली रहती हो, मेरे दिल तो रो रो के आंसू होते लाल हो गया है, इसीलिए आपके लिए एक लड़की ढूंढ के लाना चाहता हूँ जो आपकी हेल्प कर दे। बात धनिया, लड़की ढूंढ रहे हो कि काम वाली ढूंढ रहे हो तुम अपने लिए? तुमको मालूम भी है कि शादी के बाद क्या करना होता है? अरे दादी सब पता है हमको। इतने ही बुद्धि के तुम तेज होते ना धनिया, तो अपनी क्लास में इतने सालों से फेल नहीं हो रहे होते। अरे शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों की बात कर रही हूँ मैं, तुम पता नहीं का पता करके बैठे हो। हम जिम्मेदारियों की तो बात कर लें, हमें सब पता है दादी, सब पता है का करना होता है। और दादाजी और आपकी भी तो लव मैरिज थी। हमारे टाइम में लड़का दिखाया जाता था और बोलते थे बेटा इससे तुम्हें शादी करनी है, कर लो लव, और हम लोग लव कर लेते थे। तुम्हारी भी अगर इच्छा हमारी वाली लव मैरिज की हो रही है तो कह दो अपने दादाजी से, शाम तक करा देंगे। धनिया को सूरज बनना है, डूबेगा पश्चिम में, उगेगा पूरब में, सोएगा किसी के घर में, उठेगा किसी के घर में। अरे यार दादाजी आप लोग अठिया गए हो। और धनिया बेटे वो अठियाना नहीं होता, सठियाना होता है। 60 साल के नहीं हो आप दादाजी, अत्ती के हो चुके हो। पेट को अंदर खींच के चलने से 20 साल उम्र कम नहीं हो जाएगी? आप तो अब अथिया हो गए, सथिया तो आप 20 साल पहले चुके थे। अरे यार धनिया तुमको सब लोग समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, शादी करके तुम एक लड़की को लाए और वो लड़की शादी के बाद भाग गई तो क्या करोगे? अरे लव मैरिज में जो लड़कियां आती हैं उनका चाल चलन ठीक नहीं होता है। अरे आल भोताली भैया, चाल चलन तो आपका भी ठीक नहीं है। आप 10 लड़कियां घुमा लो आपके लिए ठीक है, आपके लिए कूल है, और तो ही लड़की अगर 2 लड़कों से बात कर ले तो उसके चरित्र पे सवाल उठा देते हैं आप लोग। अरे आप मुझे बताओ, अलग मैंने आपके तहने से अरेंज मैरिज कल भी ली और वो लड़की भाग गई तो मैं त्या तलूंगा, आप त्या तलो दे। देखिए दादाजी, भोकाली भैया, शादी के बाद कोई भी लड़की इसलिए नहीं भागती कि वो लव मैरिज करके आई थी या वो अरेंज मैरिज करके आई थी। बात होती है एक्सेप्टेबिलिटी की, किसी भी लड़के या लड़की को उसका दूसरा परिवार किस तरीके से अपनाता है इस पर निर्भर करता है। आज की डेट में एक फोटो अपलोड करो उस पर लाइक 2-4 कम रह जाते हैं तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे में एक नए घर में जाने पर कोई दूसरा परिवार अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही ना। तो शिक्षा भैया, धनिया की शादी करवा दे मोनिका से। अरे भोकाली, मोनिका से क्या, एंजेलिना जॉली से करवा दो। पर एक बात ध्यान रखना, लड़का 21 साल से बड़ा होना चाहिए आपका। और रही बात मोनिका की शादी किससे होगी, तो उसके लिए तो काबिल लड़का आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करके बता देना कि किससे करनी चाहिए मोनिका को शादी।